तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न ई स्पॉट। सो हम पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट 2030। सो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था कि कंपनी क्या है, कंपनी की डिफिनेशन पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंपनी की एक्ट जो है वो किस किस पे अप्लीकेबल होता है, कौन कौन सी कंपनीज हमने पढ़ा। ओके, आज हम पढ़ते हैं क्या है इसके फीचर्स। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था फीचर्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन में ही आ जाता है। फीचर्स मींस कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, हमने कल पढ़ा था कि कंपनी जो होती है वो कंपनीज एक्ट या तो 2013 में बनी हो या 1956 या और एनी अदर एक्ट एज़ प्रिस्क्राइब्ड। अब क्या है, इन्होंने कहा कि सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि कंपनी की जो पहचान होगी, जो उसकी एक अलग से रिकग्निशन होगी, वो बिल्कुल अलग होगी, वो सेपरेट होगी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कैसे कंपनी का, देखिए कैसे बता रहे हैं। एक इन्होंने बताया कि कंपनी अपना खुद का बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी खुद के लोन ले सकती है, कंपनी के नाम पर लोन हो सकता है, कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, कंपनी के नाम से इंश्योरेंस हो सकता है। तो मतलब कंपनी के नाम से, देखिए अब जैसे आप जाते हो तो आप अपने नाम का क्या करते हो, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। ओके, बैंक अकाउंट खुलवा दिया क्योंकि आप एक पर्सन हो। लेकिन इसी तरह इन्होंने कहा कि कंपनी को भी एक अलग माना जाएगा, वो भी अपने नाम पे क्या कर सकती है, बिल्कुल अलग होगी वो। मतलब जैसे कंपनी में मान लीजिए चार मेंबर्स हैं, ठीक है, चार मेंबर्स हैं, तो चारों का देखिए अकाउंट होगा, मान लेते हैं बैंक में, तो चारों का अलग अलग अकाउंट है, ठीक है, बैंक में। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि कंपनी का जो अकाउंट है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए इन चारों लोगों से। मतलब कंपनी भी अपने नाम के ऊपर क्या कर सकती है, अकाउंट खोल सकती है, लोन ले सकती है। ओके, और इन्होंने कहा क्या बताया कि प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है कंपनी के नाम पर। इसका मतलब हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी मेंबर से उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही अलग आप कह सकते हो कनेक्शन जो होता है वो अलग होगा, कंपनी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, दूसरा देखिए क्या है उनका, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब भी हमने समझा था कि जैसे कंपनी बन गई, अब कंपनी बनी थी लॉ के द्वारा, बाय लॉ, तो वो चलती रहेगी, जब कब तक चलती रहेगी, 100, 200, 300, 400 साल चलती रहेगी, जब तक वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंपनीज एक्ट डिसॉल्व ना हो जाए। डिसॉल्व मतलब होता है कंपनी का ख़त्म हो जाना, कंपनी को एबॉलिश कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये देखिए ग्राउंड्स जो है वो भी कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कब कंपनी एक्ट जो है वो डिसॉल्व होगी, कंपनी जो होगी डिसॉल्व होगी, तभी माना जाएगा कि वो कंपनी जो है वो ख़त्म हो गई है। मतलब इन्होंने कहा कि जैसे सिंपल सी बात है, कंपनी में मेंबर्स होते हैं, मानते हैं चार मेंबर हैं, ठीक है, अब चार मेंबर हैं, अब चार में से मान लीजिए दो की डेथ हो गई, दो डेड हो गए, तो क्या कंपनी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, कंपनी चलती रहेगी। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी में चार मेंबर हैं, चार में से दो चले गए, दो मेंबर चले गए, दो बचे, तो क्या कंपनी डिसॉल्व होगी, नहीं, कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। तो कंपनी परपेचुअल सक्सेशन इसीलिए कहा गया, परपेचुअल मतलब चलता रहना, जीवन भर चलती रहेगी, जब तक क्या होगा कि वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगी एज़ पर लॉ, जो कि ग्राउंड्स लिखे हुए हैं कंपनीज एक्ट में। ओके, थर्ड देखिए क्या इन्होंने कहा, लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ, ये देखिए क्या, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कौन से होते हैं, देखिए कंपनी कैसे बनती है, उसमें शेयर होते हैं, शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल होती है, जो उसमें ही क्या होता है, मेंबर्स क्या करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, ठीक है। तो जिसने जितने शेयर ले रखे होते हैं उस हिसाब से उसकी क्या होती है, कंपनी में कैपिटल मानी जाती है, और उसी हिसाब से मेंबर्स का हक होता है, जितने उनके पास शेयर्स उस हिसाब से हक होता है उनके पास। ओके, उतने परसेंट में वो क्या हो जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। मतलब मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि कंपनी एक है ए लिमिटेड करके है, उसमें दो मेंबर्स हैं, ओके, और कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो मान लेते हैं 1 लाख रुपये है, ओके, 1 लाख रुपए है, लेकिन उन्होंने कहा कि 10,000, देखिए कंपनी जो होती है शेयर तो इशू होता ही होता है, उसमें शेयर तो होते ही हैं, तो 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच, तो 1 लाख रुपए बन गया। अब मानते दोनों मेंबर्स में से एक मेंबर के पास 5,000 शेयर हैं और दूसरे मेंबर के पास 5,000 शेयर हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 10,000 रुपये, तो
तो इसका मतलब जो ए मेंबर, मान लेते हैं ए और बी मेंबर है, ए भी क्या होगा 50% का मालिक है और बी भी क्या है 50% का मालिक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा लिमिटेड लाइबिलिटी, देखिए कैसे बताया। अब देखिए आपने ये समझ लिया 5,000-5,000 रुपये के शेयर्स हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो देखिए दोनों को कितने रुपए देने, ए को क्या कितने रुपए देने होंगे कंपनी को। देखिए कंपनी एकदम अलग है, ये दोनों मानते हैं कि दोनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी है, लेकिन कंपनी को एक बना दिया तो कंपनी इन दोनों से अलग हो जाएंगी। यहाँ पर एक दो और तीन लोग माने जाएंगे लॉ की नज़र में, तीन लोग हैं यहाँ पर। देखिए ये और ये मेंबर हो गए, पर उन्हें मेंबर से नहीं मतलब, मतलब मेंबर से भी मतलब है, लेकिन सबसे पहले वो क्या देखेंगे कि कंपनी बिल्कुल अलग होना चाहिए। अब देखिए 5,000 5,000 ठीक है एट द रेट 10, मतलब दोनों को 50,000-50,000 रुपये कंपनी को देने हैं, ये इनकी लाइबिलिटी आ गई ए और बी की। अब कंपनी ने देखिए 50,000-50,000 रुपये लिए हैं, तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई 1,00,000 रुपये हो गई। अब कंपनी के ऊपर देखिए क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कंपनी को 50,000 रुपये ए को देने हैं, 50,000 रुपये बी को देने हैं जब कंपनी ख़त्म होगी, जब डिसॉल्व होगी कंपनी तब, ओके। लेकिन उससे पहले मान लेते हैं ए की लाइबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी बोला है इन्होंने, तो कंपनी ने मान लेते लोन ले रखा है कहीं से, कंपनी चालू हो गई, कंपनी ने लोन लिया अब अपने नाम पे ऊपर। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि ए जो मेंबर है वो 5,000 × 10 मतलब 50,000 से ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन इस पर भी क्या होता है कि उस पर देखा जाता है कि कंपनी किस टाइप की है। मान लेते हैं कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी में उतना ही मेंबर्स को देना पड़ता है जितने कि उनके पास शेयर्स हैं और जितना उन्होंने पे नहीं किया। मान लेते हैं 5,000 रुपये उन्होंने पूरे 10 रुपये नहीं दिए, तो उसको 50,000 पूरे देने होंगे। मान लेते हैं 5 रुपये दे चुका था वो, तो 25,000 देने होंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, लिमिटेड बाई गारंटी में क्या होता है जितने की गारंटी दे देता है मेंबर उतने के उससे पैसे ले लिए जाते हैं, वसूल कर लिए जाते हैं। तीसरा होती है अनलिमिटेड कंपनी, उसमें क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी में कंपनी में क्या होता है कि उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, कंपनी के जब तक सारे ड्यूज क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक मेंबर्स क्या होंगे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, देखिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ये बताया इन्होंने कि कंपनी जब बनती है तो उसका कोई रियल में तो बर्थ होता नहीं है, वो सिर्फ एक लॉ की नज़र में क्या हो जाती है क्रिएट हो जाती है, आर्टिफिशियली उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए वो खुद से क्या करती है उसके वो बैंक में अकाउंट खोल सकती है, खुद से क्या कर सकती है सेल परचेज उसमें हो सकती है, या फिर जो भी काम करना चाहे वो अपने नाम पे कर सकती है, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है कंपनी के नाम पे, ओके, कंपनी के नाम पे और क्या सकता है लोन ले सकती है कंपनी। तो कंपनी इसलिए लीगल पर्सन मानी जाती है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानी जाती है, मतलब वो अलग मानी जाती है और उसका एक अस्तित्व होता है। उसके बाद आया कॉमन सेल, हाँ ये देखिए इसका मतलब ये देखिए, अब कोई भी इंसान है जैसे आप हो, आप बैंक में जाते हो, आपका बैंक में अकाउंट है, अब आपको बैंक से पैसे निकालने, तो आप चेक पे साइन करते हो ना अपनी, चेक पे क्या करते हो आपको जैसे 50,000 रुपये निकालने, तो आप 50,000 लिखते हो फिर वहाँ पे अपनी साइन कर देते हो नीचे सेल्फ लिख के, और आपने ए ने साइन कर दिया, ठीक है। अब बैंक क्या करती है पैसे दे देती है। अब जैसे एक बात आई कि कंपनी का अकाउंट खोल रखा है उसने, बैंक अकाउंट, कंपनी का अकाउंट खोला है, अब कंपनी को पैसे निकालने हैं अपने बैंक अकाउंट से। अब देखिए कंपनी को जो पैसे निकालने हैं वो क्या होता है कि खुद तो जाएगी नहीं, कंपनी है तो आर्टिफिशियली पर्सन ना, तो उसके बिहाफ पे क्या होता है डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं कंपनी में, नाम सुना होगा आपने डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं कंपनी के डेली के जो वर्क होती है, डेली के डेली अफेयर्स जो होते हैं वो देखते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। मेंबर्स अलग होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं सिर्फ पैसे लगाते हैं, मेंबर्स जो होते हैं शेयर खरीद लेते हैं कंपनी के, शेयर यहाँ पे खरीद लेते हैं और मेंबर्स को क्या होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। कभी कभी क्या होता है कि मेंबर्स ही क्या हो जाते हैं डायरेक्टर बन जाते हैं, ये भी होता है कभी कभी। तो क्या हुआ यहाँ पर, हाँ मैं बता दी कॉमन सेल के बारे में। तो कॉमन सेल देखिए क्या हुआ कि कंपनी ने बैंक अकाउंट खोला, अब कंपनी को पैसे निकालने हैं तो वो क्या करेगी, तो इसलिए कहा कॉमन सेल, मतलब कंपनी का स्टैम्प सुना है आपने स्टैम्प, तो स्टैम्प में वो लिख देते हैं कि कंपनी का नाम एड्रेस ये, तो जब भी जैसे पैसे निकालने हैं तो क्या होता है उस चीज़ पे स्टैंप लग जाता है, मोहर लग जाती है, तो ये हो जाता है। और ये करता कौन है, डायरेक्टर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, डायरेक्टर क्योंकि डेली के अफेयर्स देखते हैं, और डायरेक्टर अपॉइंट कौन करता है मेंबर्स करते हैं जिनके पास शेयर्स हैं, क्योंकि ओनर तो वही हुए ना कंपनी के, ओनर कौन हुए शेयर होल्डर्स जिनके पास शेयर्स हैं, जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं,
तो वो क्या करते हैं, कंपनी को डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं या खुद भी बन जाते हैं कभी कभी। तो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, अब डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डेली के डेली अफेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के देखते हैं। तो मतलब जैसे बैंक से पैसे निकालने हैं तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उसमें कॉमन सील लगा देंगे कंपनी की और वहाँ से पैसे निकाल लेंगे। लेकिन ये कॉमन सील पहले मैंडेट से था, उसके बाद क्या किया, अब ऑप्शनल कर दिया। मतलब आप या तो कॉमन सील बनवाइए या तो क्या कर सकते हैं आप कि दो डायरेक्टर साइन कर दें उसमें, तो भी कंपनी का क्या कहा जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो कॉमन सील के ही उससे काम होता है, ओके वैलिड मान लिया जाएगा डॉक्यूमेंट को, या फिर एक डायरेक्टर साइन कर दे कोई भी पेपर में, कोई भी पेपर मतलब जो भी अफेयर्स होते हैं डेली के डेली जिसमें ज़रूरत होती है कॉमन सील की। जैसे सिग्नेचर, आपको पैसे निकालने हैं अकाउंट से तो आपकी सिग्नेचर ज़रूरी होती है, जिस ये एक तरीके से सिग्नेचर मान लीजिए आप। या फिर आप कह सकते हो कि आपको कोई लोन लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट पर साइन करने होते हैं बहुत सारे, ओके तो उसी तरह से कॉमन सील की बात आ रही है कि कंपनी की कॉमन सील मतलब कंपनी कैसे सिग्नेचर करेगी। तो पहले क्या होता था, कॉमन सील बनवा लेते थे, अब क्या करा है इन्होंने, कॉमन सील बनवाई ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, दो डायरेक्टर की सिग्नेचर करवा दो डॉक्यूमेंट पे, या फिर एक डायरेक्टर की सिग्नेचर करा दो और एक कंपनी सेक्रेटरी की, एक कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट होती है कंपनी में, लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी के लिए अलग प्रोविजन है। मतलब अगर कंपनी का ये कंडीशंस होती हैं तो कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक डायरेक्टर या एक कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करते तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे फीचर्स थे, आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हम धीमे धीमे करके कंपनी एक्ट ख़त्म करेंगे। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।